हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और ये है मेरी रूममेट मोनिका। तो आज जो हम ये वीडियो बना रहे हैं ये एक मेकअप ट्यूटोरियल है, मतलब एक बेसिक मेकअप ट्यूटोरियल जो आप कभी घर से बाहर जाना है, डेली रूटीन में आप ये मेकअप कर सकते हैं, थोड़ा लाइट सा मेकअप, तो उसका ट्यूटोरियल है। मुझे उतने अच्छे से करना नहीं आता बट इसको आता है, तो हम आज इसे मैं सीखूंगी भी और मैं दिखाऊंगी भी आपको कि मैं कितनी प्रो हूँ मेकअप में, क्योंकि मैं हूँ एक्चुअली। तो आप लोग बोलते हैं ना कि काफ़ी लोगों का ये मानना है कि हाँ, जैसे जो मुझसे मिले हैं कि रियलिटी में तो ये कुछ और दिखती है, कैमरे में कुछ और दिखती है। तो एक्चुअली मैं बहुत ही प्रोफेशनल मेकअप करती हूँ, इसलिए ऐसा होता है। तो चलो अब हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे 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 मेकअप करना चाहिए। तो ठीक है, बीच में हम थोड़ी थोड़ी पहाड़ी में बात करेंगे क्योंकि हम दोनों करसोक से हैं, तो हम पहाड़ी में भी बात करेंगे। ठीक है, चल बे। चलो सबसे पहले हम लगाएंगे मॉइस्चराइजर। ठीक है, सॉरी, पहले हमें लाना मॉइस्चराइजर क्रीम, लड़ा वहाँ थीन दे दे क्रीम तो थोड़ी सी जिसका ऑयली बेस हो, ताकि वो जाए क्या हो जाए, ताकि स्किन आपकी प्रॉपरली मॉइस्चराइज हो जाए। ये मलना नहीं रहा चलो एक ही बात है, लगाना अप्लाई करना, बस कर दिया मैंने। अगर हमें मतलब आप लोगों को कोई कमी वगैरह लगेगी ना इसमें तो आप लोग लिख सकते हैं नीचे, मतलब हमें कोई बुरा नहीं लगेगा क्योंकि असलियत हमें पता है कि हमें कितना मेकअप आता है। तो हाँ जी, गर्दन में भी लगाना है? हाँ, गर्दन में। ठीक है, गर्दन में भी लगा देना क्योंकि मुंह आप बुरा कर दोगे मेकअप से और गर्दन खाली रह जाएगी, तो लोगों को पता चल जाए, पता तो वैसे भी चली जाता है ना जिनको अच्छे से नहीं आता। फाउंडेशन यूज करेंगे। हाँ ठीक है, तो फाउंडेशन हम फाउंडेशन ले लेनी है, ड्रॉप इतनी जैसी बहुत है वो है भाई। ठीक है, ज़्यादा हो गया। अच्छा कहाँ है वो मेरा ब्लेंडर? तुम चीटिंग करती हो, मेरा अपने को रख लिया। मेरा ही है। मेरा कहाँ है? तुमने अपना निकाला ही नहीं है। अरे निकाला है, कहाँ डाला? मेरे दोनों ही है बस। ये आई डोंट नो, चलो ठीक है, हमें ब्लेंडर से मतलब है। ठीक है, चाहे वो किसी का भी हो, तो मेरा गुम हो गया, कोई बात नहीं, बाद में ढूंढ लेंगे हम। ठीक है, बूंद ले लिए, सूख जाइए। अब इसको जो हमने फिंगर से अप्लाई करना है अपनी स्किन पे, ऐसे ऐसे अप्लाई करना है। अप्लाई करते करते आप बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ओ यार कहाँ कहाँ करना था, यहाँ यहाँ। ठीक है, हाँ आप गर्दन पे भी अप्लाई कर सकते हो। बची नहीं तो क्या अप्लाई कर, मुंह बहुत बड़ा है जी, क्या कर सकते हैं हम मैम। चलो चलो, अब हमने जो है डैब डैब करना है। डैब डैब मतलब ऐसे पहाड़ी में बोलेंगे रॉगर नन या थिएट के ना, देखो करती हूँ, रगड़ना नहीं है आपने। ठीक है, रगड़ना बिल्कुल नहीं है। मैं रगड़ रही हूँ पर तुम नहीं हो। मैं रगड़ रही हूँ क्योंकि ये बहुत, मैंने पता नहीं क्या कर दिया, समझ रहे हो, समझ रहे हो। अब क्या करना है, डैब बहुत हो गया, सूखे मसो सब। जब तक आपका अच्छे से ब्लेंड नहीं हो जाते आपने, तब तक करते रहना है। हाँ मैम, मेरा तो हो चुका है ब्लेंड। नेक्स्ट जो है हम कंसीलर लगाएंगे। नेक्स्ट हम कंसीलर लगाएंगे, हमारे पास है नहीं जो है, तो जब वो लगा लेंगे आंखों के नीचे अप्लाई करना है कंसीलर। ऐसे लगा रहे हैं, ज्यादा तुम लगा दी नहीं? ठीक है, मतलब बहुत जगह पर मेरे को यही नहीं आनी लगानी, तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि इधर ही मैं पहले अप्लाई करती हूँ। इसको भी फिर हम वो करेंगे कि ऐसे मतलब रगड़ के नहीं लगाएंगे, घिसेंगे नहीं ना इसको, ऐसे ही लगाएंगे कि बस ब्लेंड करना है अच्छे से इसको। ले भाई क्या कीजिए करा वे वे। वैसे मैं अच्छा मेकअप करती हूँ, आज मुझे ये हो जाएगा, आप लोगों को भी मैं वो प्रूफ दे दूंगी ना ये। अरे इसीलिए बोलते हैं एक घंटे तक हम मेकअप करते रहेंगे ना, उससे अच्छा ये है कि फिल्टर लगाऊं यूं, ऐसे फिल्टर एकदम बढ़िया, चाहे शक्ल चमक जाएगी आपकी। चलो कंसीलर हो गया अभी हमारा। हाँ जी, हाँ जी, अब हमने इसको सेट करना है सेटिंग पाउडर के साथ। हाँ, इसको लगाते हैं ऐसे। अब हम इसको सेटिंग पाउडर के साथ सेट करेंगे। ठीक है, सेटिंग करने में हम आए थे, सिर्फ जहाँ हमने कंसीलर लगाया है वहीं पे हमने जो है सेटिंग पाउडर लगाना है। ये ज्यादा तो नहीं लिया, ज्यादा नहीं है, आप इसको लगा दो, बस ऐसे रखो, लगाओ इसको और बस बाद में इसको ब्रश के साथ क्लीन करेंगे। तब लगाना क्यों ये? जो यूज होने वाला होगा वो हो जाएगा, जो रहता है उसको हम क्लीन कर लेंगे। आटा लगा लिया है हमने
अच्छा अब कौन सी ब्रश के साथ यूज हो गया ये सब कुछ? अच्छा ठीक है, अब जो है जब तक ये सेट हो जाता है हमारा तब तक हम क्या करेंगे, कंटूरिंग करेंगे। 6 मिनट की वीडियो हो गई हमारी कंटूरिंग। ठीक है, ये कंटूर पेंसिल पेंसिल है आपके पास? हाँ पेंसिल। कॉन्टोरिंग मतलब जो आपको अपने फेस की सेटिंग करनी है ना, अपने हिसाब से पतला दिखाना है मोटा दिखाना है इसको, थोड़ा ऊबड़ खाबड़ पन जो इसका वो सेट करना है उसके लिए। मैं कहाँ जिस लगाऊँ इसको? यहाँ पे लगाओ ऐसे, यहाँ अब यहाँ लगाओ। बस बस। अच्छा जी, वाह। अब इसको जो है इसको भी आपने ब्लेंडर के साथ भी कर सकते हो, अपने फिंगर के साथ भी कर सकते हो। आप किस साथ करोगे? मैं इसको ब्लेंडर के साथ करूंगी। मैं भी मैं खुद कर लूंगा अपना मेकअप, आप अपने आप रहने दीजिए, हम प्रोफेशनल हैं, आप बड़े हैं, हमें सिखाएंगे। हाँ ठीक है ठीक है। अभी क्या करना है, जो हमने ये लूज पाउडर लगाया था जो एक्स्ट्रा रह गया है, इसको हमने जो ब्रश के साथ क्लीन कर लेना है। मेरे तो कुछ लूज पाउडर है। चलो जी ठीक है, थोड़ा जो ऊपर ऊपरी आटा था वो हमने रिमूव कर देना है ऐसे। नेक्स्ट अब हम लगाएंगे ब्लश। ये तो अच्छा है, अब हम ब्लश लगाएंगे जो एक्स्ट्रा पाउडर है वो हमने जो है निकाल भी झाड़ देना है। आधा प्रोडक्ट तो हमने जो ऐसे ही झाड़ झाड़ के फेंक देना है। ठीक है, तो और दोस्तों तुम्हें कीका सी तुम्हें सब कीका तुम्हें लागे तुम्हारी वीडियो भाई दे, मतलब आप लोग कहाँ से हैं और कहाँ से इस टाइम आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, ये कोई ऐसे मेकअप ट्यूटोरियल है सच नहीं है, दिस वाज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, ताकि हम खुद को भी थोड़ा सा एंटरटेन कर सकें। ये एक ही साइड लगना चाहिए सारा? नहीं नहीं, एक ही साइड लगना चाहिए बॉल। ठीक है, ताकि हम थोड़ा खुद को भी एंटरटेन कर सकें और आप लोगों को भी एंटरटेन कर सकें। मैं बीच में भूल गई थी, मैंने साइड लगा दिया। ये तो कर लेगी, मुझे इसका पता है, पर मैं देखना क्या करूंगी। ये हमने ब्राउन ब्लैक कलर का मत लेना मेरे ख्याल से, ना ज्यादा चमक जाएगा ना। ब्राउन ज्यादा बेटर रहता है क्योंकि थोड़ा फिर वो ठीक ठीक रहता है, नेचुरल जैसा लुक देता है ना। ब्लैक इस वजह की साफ चल देते पेंसिल पेंसिल का की बोलो सोनिया मदी मिलाने पता। मेकअप ऐसा होना चाहिए कि किसी को पता ना चले कि आपने मेकअप किया है। ठीक है, किसी को अपनी शादी में मेकअप कराना हो तो बुला सकते हैं आप मुझे, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छा मेकअप करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है, मुझे कैसा सभी को लगता है। ये हो गया, अरे बहुत बकवास है। काले वाला भी लगाया भाई? मैंने तो लगाया। कहाँ लगाना? एक्चुअली ब्राउन वाला मैं आगे आगे वाले पोर्शन पे ब्राउन लगाती हूँ और पीछे वाला पोर्शन पे ब्लैक लगाती हूँ, पर आपको जो है सिर्फ एक कलर ब्राउन कलर की ही जरूरत है क्योंकि आपकी ऑलरेडी जो है आईब्रोज मोटी है। अबे यार मारो मुझे, क्या कर रही हूँ मैं। ले भी लो यार, कल को ऊपर ही पेर पे। तुमको एक्सप्लेन करना है यार कि मैं इतना अच्छा कर रही हूँ, क्या है ये? ये मुझे इससे ही आता है एक्चुअली, मेरे पास जो प्रोडक्ट्स है वो बहुत अच्छे वाले हैं, तो उनमें इतना वो नहीं होता है पंगा। नहीं कोई बात कोई बात नहीं, क्या किया मैंने? अगर आप अपने वाले प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं मेरे पास वो भी है। नहीं मैं नहीं लेना चाहती, वो मैं देखो अच्छी लगी मैंने यार, इतना बुरा नहीं है, मतलब उसमें अच्छा लग रहा है, यहाँ रहने दे समझो। ठीक है, तू और बातें कर कुछ आदमी के साथ, लोगों के साथ, क्योंकि तूने जो कही बात, आई फॉरगॉट कि यू आर एन इंट्रोवर्ट, मतलब इंट्रोवर्ट भी नहीं बोल सकते, एम्बीवर्ट। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे बताओ? आई का मेकअप करना है, नहीं करना? नहीं, आईज रहने देते, आईज रहने देते, तना तेरा है, डॉर लगे मैंने। बस अब जाम लिपस्टिक लगाएंगे और वी आर रेडी। कुछ गड़बड़ तो है, वी आर रेडी फॉर शूट। आप लोग अगर मेरे को ऐसे तो देखेंगे ना, आप लोग हंस के पागल हो सकते हैं क्योंकि मैंने इतना जूस निकाला है। अब हम लिपस्टिक लगाएंगे, लिपस्टिक आपकी अपनी चॉइस हो सकती है, बट बिकॉज हम डेली उसके लिए कर रहे हैं ना, तो हम जो है न्यूड कलर लगाएंगे। इतना अच्छा लगता है, दिखा दे। सबसे पहले हम जो है लिप्स को लाइन करेंगे, हम लाइनर लगाएंगे, और मेरे को ये नहीं लगाना आता है, आता है मुझे इसको, ये लगाना नहीं आता है, तो अभी आप देखेंगे कि मैं किस तरह से इसको बताऊंगी कि इस तरह से निकलता है, ऐसे लगता है। ठीक है, तो आप जुड़े, और मैं बहुत जल्दी ना सुकेती दादी वाली वीडियोज भी अपलोड करूंगी अपने चैनल पर, अपने वो जरूर देंगे दो इंच बस। ठीक है, तो मैं भी कर देती हूँ। अभी मैं लगाऊंगी ये वाला शेड, मंदिर बहुत कपी लग रहा देखता हूँ। लिपस्टिक लगाओ,
सीनी छी मेरे वाला छी। अच्छे से लगाओ इसको, लिप लाइनर दिखने नहीं चाहिए, अच्छे से ब्लेंड करो इसमें लिप लाइनर। लिप लाइनर कैसे लगा थी? अब ये दिखेगा, मैं कुछ नहीं कर सकती है, देखो हमारा मेकअप रेडी है, हो गया मेरा मेकअप, ठीक है। तो आप ऐसा मेकअप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इस सबसे बचना है, इतना टाइम कंज्यूम नहीं करना है, तो लगा लेना है ना, हिंदी से आप ऐसे भी बहुत सुंदर लग जाएंगे। और अगर ज्यादा ही कुछ मेकअप करना किसी को बहुत आलस लगता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे लगता है, तो आप कुछ नहीं करो, एक काम करो, फिल्टर लगाओ भाई और मजे से अपनी जिंदगी जियो, है ना, ठीक है। और एक चीज अपना ध्यान में रखो कि मेकअप करो चाहे जो मर्जी करो, आप खुद से सबसे ज्यादा प्यार करो ना पहले, तभी लोग आपको पसंद करेंगे। अगर आपको खुद से प्यार नहीं होगा और आप लोगों को प्रवचन देते रहोगे कि नहीं जी मेकअप करो, ये करो, फलाना करो, ढिकाना करो, तो कोई आपसे प्यार नहीं करने वाला। तो लव योरसेल्फ एंड एंजॉय योर लाइफ। और मेकअप मेकअप मेरे को इतना खास नहीं आता, पर आज मैंने किया है मेकअप, फिर भी बहुत ही बेसिक मेकअप जिसमें कुछ और लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ी। पर तुम फर्क देख रहे हो यार, इसके फेस पे लग रहा है कि जेन्युइनली इसने इतना प्यारा सा मेकअप किया, नेचुरल है। मैं सीख गई, अब कल से मैं यही मेकअप क्या करूंगी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको थोड़ी थोड़ी एंटरटेनिंग वीडियोस चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मैं लाइक भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, वीडियो को तो लाइक करना ही है ना आपको, कमेंट भी करना ही है, मतलब कुछ भी कर लेना कमेंट, और फिर हम कुछ एंटरटेनिंग कंसेप्ट आपके लिए लिखेंगे। ये तो अभी हमने एक ऐसी वीडियो बना दी थी, मतलब अभी हम जस्ट पहुंचे हैं अपने ऑफिस कॉलेज से, तो फिर उसके बाद हमने ये जस्ट ऐसी वीडियो बना दी फटाफट से आप लोगों के लिए। तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगी, और आप लोग इसको शेयर, लाइक, कमेंट सब कुछ करेंगे, मतलब इतना तो इसमें कुछ है नहीं, पर जिनको मेकअप बिल्कुल नहीं आता ना, उनके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव था ये, ठीक है। मानते हो कि नहीं मानते हो, मेरे को पता है आप लोगों का क्या मानते हो, और आप कमेंट करके जरूर बताओगे कि आपको वीडियो कैसी लगी। बाय बोल देना फिर उसके बाद। नमस्ते जी, धन्यवाद जी, ओके जी, बाय, ध्यान रखना जी अपना।